मेरे अकाउंट में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपना बैलेंस यहाँ पे दिखाती हूँ, कितना मैं यहाँ पे टोटल विड्रॉ ले चुकी हूँ। 67.36 डॉलर का मैं यहाँ से टोटल विड्रॉ ले चुकी हूँ। दो बार करके मैंने विड्रॉ लिया था, एक बार 15 डॉलर और एक बार आई थिंक 50 डॉलर अप्रोक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओरिजिनल टीम। अगर आपको गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है, यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो बट आपकी अर्निंग नहीं होती है, तो ये वीडियो परफेक्ट है क्योंकि अब जब भी आप यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस देखोगे तो आपके साथ में अर्निंग भी होने वाली है। बस आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको वीडियो में आगे अच्छे से समझाया है। प्लीज वीडियो को पूरी देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो सकता है कि आपकी अर्निंग ना हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, जॉब्स एंड मच मोर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, YouTube.com पे आकर आपको सर्च करना है गेमिंग। अब आप यहाँ पे ये सेकंड वीडियो ही देख रहे हो, 5 घंटे पहले डली है सिर्फ, और इसके व्यूज हैं 181K व्यूज। तो ये काफी अच्छी वीडियो है, आपको सिंपली इसकी लिंक कॉपी कर लेनी है। अब हमें एक दूसरी वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है shrinkme.io। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि साइन अप बोनस आपको यहाँ पे मिल जाएगा $1। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे आपको $1 का साइन अप बोनस मिल जाने वाला है। मिनिमम पे आउट है यहाँ पे $5 का, डेली पेमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार या दो बार या ऐसे पेमेंट होती है, डेली आपको पेमेंट मिलेगी। आप देख रहे हो कितनी सारी कंट्रीज है यहाँ पे, और उन कंट्रीज के आगे पे आउट रेट लिखे हैं कि 1000 व्यूज पे आपको कितनी अर्निंग होगी। और आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी वो होगी US के लिए, और यहां से आपको $8 की अर्निंग होने वाली है, यानी कि पर लिंक पे आपको $8 की अर्निंग होने वाली है। यहाँ पे सिंपली आपको कर लेना है रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, यूजर नेम आपको अपना लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देनी है, पासवर्ड लिख देना है, उसी को दोबारा से यहाँ पे लिख देना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करना है, इनकी टर्म्स ऑफ यूज प्राइवेसी पॉलिसी पे भी आपको अग्री कर देना है यहाँ टिक करके, और आपको कर लेना है यहाँ पे रजिस्टर। आप चाहो तो यहाँ पे गूगल से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपके जो मेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे ना, उस पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, उस पर क्लिक करके आपको अपने अकाउंट में कर लेना है लॉग इन। अब मेरे अकाउंट में लॉग इन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपना बैलेंस यहाँ पे दिखाती हूँ, कितना मैं यहाँ पे टोटल विड्रॉ ले चुकी हूँ। 67.36 डॉलर का मैं यहाँ से टोटल विड्रॉ ले चुकी हूँ। दो बार करके मैंने विड्रॉ लिया था, एक बार 15 डॉलर और एक बार आई थिंक 50 डॉलर अप्रोक्स। अब आपको आ जाना है सिंपली एक न्यू शॉर्टन लिंक का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो URL हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। अलाइज में आप ऐड कर सकते हो कुछ भी वीडियो से रिलेटेड, लाइक यहाँ पे था 6 Gold Season 1, तो हम यही डाल देंगे और इस लिंक को हम कर देंगे शॉर्टन। एक्सपायरेशन डेट आपको कोई भी यूज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो जिस दिन ये लिंक क्रिएट करते हैं उसी दिन की एक्सपायरेशन डेट डाल देते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि व्यूज क्यों नहीं शो रहे हैं यहाँ पे हमारे स्टैट्स में, क्योंकि आपकी लिंक ना एक्सपायर हो चुकी होती है। उस पर लाखों में क्लिक्स आएंगे तो भी आपको ना तो क्लिक्स यहाँ पे शो होंगे ना ही आपकी अर्निंग यहाँ पे ऐड होगी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिंक यहाँ से मिल गई है, सिंपली इसको हम कर लेंगे कॉपी। अब सबसे मेन बात आती है कि हम इस लिंक को कहाँ शेयर करें। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि फेसबुक पे ना शेयर करने में दिक्कत आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप ओवर शेयरिंग करते हो, आप बहुत ज्यादा शेयर करते हो एक ही लिंक को, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। और मैं आपको फेसबुक का बताऊंगी भी नहीं, आपको ये लिंक शेयर करनी है steamcommunity.com पे। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड से विजिट्स, मंथली विजिट्स आते हैं 148 मिलियन। आपको सिर्फ 1000 व्यूज की यहाँ पे 1000 क्लिक्स की जरूरत है और आपको यहाँ पे $8 की अर्निंग हो जाएगी। तो आप सोचो 148 मिलियन में से कितनी बार आप 1000 क्लिक्स ले सकते हो अपनी अलग अलग लिंक्स पे। बस आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है कि जो भी आप गेमिंग की वीडियो लोगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, 5 घंटे में 181K व्यूज ले आई है जो वीडियो, वो ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होगी।
तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर ली इसकी लिंक। बट आपको क्या करना है, आपको ना वो वीडियो देखनी भी है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ही आपको वो वीडियो शेयर करनी है। अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा ना तो उस पर व्यूज अपने आप आते रहेंगे, क्योंकि जिसको भी आप शेयर करो, यहाँ पे पोस्ट आप क्रिएट करोगे उनको पसंद आई तो वो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे, तो आपकी ना आगे शेयर अप शेयर अप शेयर अप होती रहेगी। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी बाकी लोग आपके लिए काम कर देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे आना है, अगर यहाँ पे आपका अकाउंट है तो उसमें साइन इन कर लेना है, नहीं है तो ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारी पोस्ट है, पोस्ट क्रिएट हो रखी है और यहाँ पे वीडियोस भी है, ऐसा नहीं सिर्फ इमेजेस ही हैं या सिर्फ फोटो ही हैं, यहाँ पे वीडियोस भी हैं। तो आपको भी यहाँ पे एक ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी है और उसमें भी आपको दो तीन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। वो क्या है कि आपका जो टाइटल है ना पोस्ट का, वो टाइटल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, या तो आप वीडियो से रिलेटेड ही टाइटल रख देना। जैसे कि मैंने वीडियो से रिलेटेड टाइटल रखा था अपनी शॉर्ट लिंक में अलाइस में, तो वही टाइटल आप यहाँ पे रख सकते हो जैसे कि इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, इसे कहते हैं टाइटल। ये आपकी वीडियो के नीचे जस्ट नीचे शो होगा और ज्यादातर लोग इसी को रीड करेंगे। एक तो ये थंबनेल टाइप देखेंगे और दूसरा इसको रीड करेंगे। इन दो चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल तीन चीज बताई मैंने जिस पे आपको ध्यान रखना है, वीडियो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, दूसरा जब आप उसको अपलोड करोगे तो टाइटल आपको इंटरेस्टिंग रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे थंबनेल बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में शायद ये भी दिक्कत आए कि थंबनेल ना आए, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर आपको सर्च करना है। आपने ये सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ गई, कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लो, क्योंकि सबकी सब वेबसाइट यहाँ पे सेम वर्क कर रही है, किसी को भी ओपन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी की सारी यहाँ पे फ्री होंगी। जो यूआरएल हमने कॉपी किया था ना उस वीडियो का जिसकी हमने लिंक शॉर्ट की, वही यूआरएल यहाँ पे डाल देना है। गेट थंबनेल इमेज पे आपको करना है क्लिक। आपने यहाँ पे लिंक डाली, गेट थंबनेल इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पे थंबनेल की इमेज आ गई, तो इसमें से आपको फर्स्ट वाला ही डाउनलोड करना है। अगर फर्स्ट वाली इमेज शो नहीं होती है तो आपको नीचे वालों में से कोई भी डाउनलोड कर लेना है, बट कोशिश करना कि यही इमेज जो सबसे बड़ी वाली है ना, जो सबसे परफेक्ट साइज में है, इसी को आप डाउनलोड करो और इसी को फिर पोस्ट के साथ अटैच कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो टाइप की पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, उससे और अच्छा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक तो आप डायरेक्ट वीडियो की लिंक डाल के वीडियो वहां पे शो हो जाएगी जैसे कि ये है, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो आप कि पोस्ट डालते टाइम ना आपको थंबनेल की इमेज लगा देनी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने एक इमेज टाइप लगा रखी है, लाइक ये एक इमेज है, ये इमेज लगा देनी है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देनी है। ये दो तरीके से आप कर सकते हो। सकता है कि आपके अकाउंट में इमेज वाला जो स्ट्रेटजी है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करे तो आप इमेज वाली को कंटिन्यू रखो, अगर वीडियो वाली स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है तो उसको कंटिन्यू रखो। इस तरीके से ना ए बी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अगर मेरे लिए बाई चांस वीडियो वाली स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए वही स्ट्रेटजी वर्क करेगी, और अगर आपको इससे भी अच्छे वाला रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको ना स्टीम कम्युनिटी जैसी और भी काफी सारी वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, इसका नाम है सिमिलर साइट्स। इसकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी गूगल क्रोम पे, आप सर्च करोगे तो इसमें क्या होता है सिमिलर वेबसाइट्स भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मुझे ना काफी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इनमें से एक वेबसाइट है epicgames.com, शायद ये भी एक स्टीम कम्युनिटी टाइप जैसा हो, यहाँ पे भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। इनमें ना आपको चेकआउट करना पड़ेगा कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कौन से फोरम्स हैं, ये सब आपको चेक करके वहां पे भी आप शेयर कर सकते हो इन सब चीजों को। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देती हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले youtube.com पे आना है, एक अच्छी सी बढ़िया सी गेमिंग वीडियो की लिंक आपको कॉपी करनी है, फिर आना है shrinkme.io पे, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लिंक को शॉर्ट करना है और साथ ही आपको किसी भी YouTube थंबनेल क्रैबर वेबसाइट से एक YouTube का जो भी वो वीडियो थी ना उसी का थंबनेल आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको आना है steamcommunity.com पे और यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है। दो टाइप की पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो और फिर उन पोस्ट में आपको ए बी टेस्टिंग करनी है, कौन सी वाली जो तरीका है पोस्टिंग का वो आपके लिए वर्क कर रहा है।
जो तरीका वर्क करे उसी को कंटिन्यू करना है आगे। रिस्पॉन्स देखो, ऑनलाइन में लोग सोचते हैं कि आज हमने काम किया आज ही हमें अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में भी आपको टाइम लगता है अर्निंग को अर्न करने में, ठीक है, चीजों को सेटल करने में आपको टाइम लगता है। कम से भी कम 1 हफ्ता आपको देना चाहिए किसी भी काम को, अगर आप कर रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो 1 हफ्ता आपको देना चाहिए। कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 महीना देना चाहिए, तभी आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। 1 ही दिन में किसी को रिस्पांस नहीं मिलता है, किसी को भी रिस्पांस नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं मिला था और इतने सारे जो लोग ऑनलाइन से अर्निंग कर रहे हैं ना, किसी को भी 1 दिन में रिस्पांस नहीं मिलता है। हम आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं, 1 दिन में आप काम उसी दिन से शुरू कर सकते हो, बट रिस्पॉन्स देखने में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ये कंफर्म है। तो अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, अर्निंग 100% होगी, बस आपको अपना टाइम देना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कम टाइम देना होगा, बट टाइम तो आपको देना होगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, जिससे कि वो भी इस स्ट्रेटेजी से अर्निंग कर सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, मेक मनी ऑनलाइन एंड मच मोर। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।